शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा एक बार फिर विवादों के साए में हैं। इस बार मुसीबत ज्यादा बड़ी है क्योंकि मुंबई पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। शिल्पा के पति पर पॉर्न फिल्म में बनाने और हॉटशॉट नाम के ऐप पर दिखाने का आरोप है। शुक्रवार को ही राज कुंद्रा को पूछताछ के लिए बुलाया गया था और सोमवार रात उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मुंबई पुलिस के मुताबिक राज कुंद्रा इस मामले में मुख्य साजिशकर्ता है। इस मामले में मुंबई पुलिस कमिश्नर हेमंत नागराले का कहना है कि इस मामले में राज कुंद्रा के खिलाफ उनके पास पक्के सबूत हैं और इस केस के मुख्य आरोपी वही हैं। इस मामले में अब तक 11 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। मुंबई पुलिस ने फरवरी महीने में इस मामले में केस दर्ज करते हुए 8 लोगों को अरेस्ट किया था। इस मामले में गहना वशिष्ठ नाम की एक्ट्रेस भी गिरफ्तार हुई थी। वहीं राज कुंद्रा के असिस्टेंट उमेश कामत को भी गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में सागरिका सोना सुमन नाम की मॉडल ने राज कुंद्रा पर सनसनीखेज आरोप लगाए थे। सागरिका ने तब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि पॉर्न कंपनी के मालिक राज कुंद्रा ही हैं। उनके सहयोगी उमेश कामत ने सागरिका को फोन कर एक वेब सीरीज में काम करने का ऑफर दिया था और न्यूड ऑडिशन की मांग की थी। मुंबई पुलिस ने 5 महीने की जांच के बाद राज कुंद्रा को शिकंजे में लिया है। कहा जा रहा है कि केंद्रीय नाम की पॉर्न फिल्म कंपनी राज कुंद्रा ने प्रकाश बख्शी के साथ मिलकर खोली है। प्रकाश बख्शी यूके में रहता है। राज कुंद्रा ने करीब 8 से 10 करोड़ रुपए पॉर्न एप्स पर इन्वेस्ट किए हैं। पॉर्न फिल्म बनाने के लिए मॉडल्स और बॉलीवुड में काम करने आई नई लड़कियों का इस्तेमाल होता था। मुंबई के मर्ड गोराई दाना पानी इलाके में बंगले बुक करके पॉर्न फिल्मों को शूट किया जाता था और फिर उसे वी ट्रांसफर फाइल के जरिए ब्रिटेन और दूसरे देशों में भेजा जाता था। प्रकाश बख्शी की टीम ऐप पर इन फिल्मों को अपलोड करती थी। पुलिस के मुताबिक कंपनी का रजिस्ट्रेशन विदेश में करवाया गया था ताकि भारत के साइबर कानून से बचा जा सके। अगर राज कुंद्रा इस मामले में दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें 5 से 7 साल की सजा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। राज कुंद्रा की गिनती करोड़पति बिजनेसमैन में होती है। वो 2800 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं। शिल्पा के पति माइनिंग, रियल एस्टेट, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, स्टॉक मार्केट, गेमिंग और हॉस्पिटैलिटी के बिजनेस से जुड़े हुए हैं। राज कुंद्रा फिल्मों और स्पोर्ट्स इवेंट में भी पैसे लगाते हैं। बता दें कि राज कुंद्रा 10 से ज्यादा कंपनियों पर मालिकाना हक या हिस्सेदारी रखते हैं। साल 2009 में उन्होंने शिल्पा शेट्टी के साथ मिलकर आईपीएल टीम राजस्थान रॉयल की फ्रेंचाइजी खरीदी थी। 2013 तक तो सब ठीक रहा, इसके बाद उन पर स्पॉट फिक्सिंग के आरोप लगे। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने उन पर क्रिकेट मैच के दौरान मौजूद रहने पर आजीवन बैन लगा दिया। राज कुंद्रा एक ब्रिटिश व्यवसायी हैं। 9 सितंबर 1975 को उनका जन्म लंदन में हुआ था। राज कुंद्रा का परिवार लुधियाना से इंग्लैंड गया था। पहले उनके पिता लंदन में बस कंडक्टर का काम करते थे, बाद में उन्होंने अपनी एक दुकान खोल ली। राज कुंद्रा की माँ भी दुकान में ही काम किया करती थी। राज कुंद्रा के पिता ने अपना एक रेस्टोरेंट भी खोल रखा था। राज ने जब 18 साल की उम्र में कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी तो उन्होंने बेटे से फैमिली बिजनेस ज्वाइन करने को कहा, लेकिन राज कुंद्रा कुछ बड़ा करना चाहते थे। लंदन से वो नेपाल पहुंचे और पश्मीना शॉल खरीद कर लंदन के बड़े दुकानों में बेचनी शुरू कर दी। इसके बाद दुबई जाकर उन्होंने हीरो का कारोबार किया। धीरे धीरे बिजनेस की दुनिया में बड़ा नाम बन गए राज कुंद्रा। राज कुंद्रा को साल 2004 में एक ब्रिटिश मैगजीन ने सबसे अमीर एशियाई ब्रिटिश की लिस्ट में 198वां रैंक दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, E24। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बी टाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कंट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24।